भाई साहब क्या शादी है किया मेरे दम बसी बहुत लेकाई कार बैठे कार विच मेरे जुन में जे यार सिरो करता अखा दा दिला उते करे जब जे बोल वा कुछ ना बंद डूंगी अंदर लोका पा दियेंगे पिंगे बोए घूमने मेरे मिंडो मिंड पट ना तू हंस बल्ली केड़ा करदा है तंग मैनू दस बल्ली साडे पेंटर च आउंदी ना पुलिस बल्ली करदा है तंग केड़ा दस बल्ली सो हेलो गाइस, तुम सबका स्वागत है मेरे आज के नए व्लॉग में। सो आज के व्लॉग की शुरुआत हमारे घर से हो रही है। पीछे खड़े भाई अपनी V3 और इसी का सामान आज आने वाला। भाई मुझे ना सुबह सुबह डिलीवरी बॉय का कॉल आया। बंदा कहता है कि भाई आपका पार्सल आ चुका है। सो भाई मैंने कहा भाई कहाँ पे हो? बंदा कहता है भाई अभी ना मुझे 10-15 मिनट लगेगा, अभी मैं कहीं और पार्सल डिलीवरी कर रहा हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई। सो पार्सल पता क्या भाई, सो इस बाइक का ना भाई अगले पिछले दोनों ब्रेक शू खत्म हो गए हैं। सो इसकी ना भाई ब्रेकिंग में थोड़ी सी ना मुझे तकलीफ है, अच्छी स्टॉपिंग नहीं बचती। सो मैं सोच रहा हूँ कि ना इसका ब्रेक पैड भी चेंज करवा दूँ। सो आज आ गया, सो कल परसों में भी चेंज करवा दूंगा। मैंने अपने R15 V3 के ब्रेक पैड्स मंगाए, बिकॉज मैंने ना हर बार ऑफलाइन लिए हैं। इस बार मैंने सोचा भाई ऑनलाइन मंगा के देखते हैं भाई कि ऑनलाइन परफॉर्मेंस अच्छी होती है ब्रेक पैड्स की नहीं होती है। कह रही भाई अपनी बाइक है, भाई अपनी बाइक की कंडीशन तुम देख रहे हो कितनी गंदी हो गई है। ऊपर से तो साफ है भाई, नीचे देख रहे हो, ये देख रहे हो भाई कैमरे में ना यार इतना अच्छा दिखता नहीं है। मतलब कि कैमरे में ना जो चीज़ अपनी रियल आंखों से दिखती है ना भाई, वो कैमरे से नहीं दिख सकती, कभी नहीं दिख सकती। ये मैंने चीज़ देखी है भाई, नोटिस किया मैंने ना। ऐसे भी और भी व्लॉगर्स की वीडियो देखता हूँ भाई, जब वो अपने बाइक से ऐसे लाते हैं कैमरे फ्रेम में, और जब रियल में देखो ना तो भाई बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। पता कैमरे में और रियल में ना भाई 19-20 का फर्क बिल्कुल नहीं होता, बहुत ज़्यादा फर्क होता है। यूट्यूब पर 2.57K हो गया, जल्दी से भाई हमारे यूट्यूब पर भी भाई 3K करवा दो भाई जल्दी से, ठीक है ना भाई। 3K पे भाई कुछ नहीं होने वाला, मैं झूठ नहीं बोलता यार। देखो यार जो ना असल में चीज़ें होती ना गाइस, मैं वही करता हूँ। मैं ना किसी और की तरह झूठे चीज़ें या झूठे बात नहीं बोलता। देखो 3K पे कुछ नहीं होने वाला, ठीक है ना, 4K पे कुछ होगा। 5K पे ना भाई अपनी बाइक मॉडिफाई कराऊंगा, ऐसे ही करवाऊंगा ना। जा तो गाइस बाइक ही बदल दूंगा, मतलब इसे बेच के कुछ और ले लूंगा, जा इसी बाइक को ना इतना सेक्सी वाला रैप कराऊंगा ना भाई। सो भाई सब भैया ने तो कॉल करके बोला मैं स्कूल के पास खड़ा हूँ, और यहाँ पे तो भाई कोई भी नहीं है भाई, भैया ने अपना चूचे काट दिया भाई। सो फाइनली सब जो हमारे ऑर्डर था वो मैंने ले लिया भाई। सो ये रहे भाई हमारे RNG के भाई ब्रेक पैड्स, और भाई ये ब्रेक पैड्स भाई स्पेशली पता किन बंदों के लिए, पता जो बंदे स्पेशली स्टंट रन करते हैं ना, ये स्पेशली उन बंदों के लिए भाई। अगर तुम पहाड़ी इलाके में ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हारे ब्रेक पैड्स इतने जल्दी हीट करेंगे ना, तुम अगर परफॉर्मेंस में डलोगे ना वो हीट नहीं करेंगे। सो भाई बंदे पूछते हैं भाई तुम्हारी ब्रेकिंग बड़ी अच्छी है भाई। मुझे ना काफ़ी सारे बंदे ना जिस बंदे ने कहा आज तक मेरी बाइक चलाई ना, वो सभी ये चीज़ बोल रहा कि भाई तुम्हारी ब्रेकिंग इतनी खतरनाक है भाई, इसलिए हमारी ब्रेकिंग खतरनाक है बिकॉज हम भाई हम टायर से ना भाई, पहली बात देखो बाइक के ना मॉडिफिकेशन कराना वो बात की बात है, ठीक है। मेन चीज़ है बाइक के टायर और बाइक के भाई ब्रेकिंग, ये चीज़ें ऑसम होनी चाहिए भाई, बिकॉज इसके दम पे ना बाइक चलती है। तुम 80-90 दौड़ा रहे हो, बहुत बंदे बोलते मैं 120 चला, तो तुम दौड़ा रहे हो ना, ये होंगे तभी रुकेंगे, अच्छी क्वालिटी होंगे ना भाई, पैर रुक जाएंगे। बंदे ऐसे बोलते हैं KTM की ब्रेकिंग अच्छी है भाई, ब्रेकिंग इसकी बहुत अच्छी है, बस तुम ना केयर करो, और ये रहा भाई इसका लिफाफा भाई, तुम यहाँ पढ़ो जेन्युइन पार्ट्स भाई। तो भाई इसके लिए कुछ इस तरह की पैकेजिंग होती है भाई। सो ये इसका डब्बा था, वो गिर गया डब्बा ही गिर गया भाई। सो भाई कुछ इस तरह का इसका डब्बा था, और अंदर की पैकेजिंग कुछ इस तरह से होती है, और ये रहा भाई इसका फाइनली RNG के डिस्क पैड मेरे भाई। अच्छा यहाँ से दिख रहा ना, तुम यहाँ पे देख रहे हो क्वालिटी पूरी, यहाँ पर नंबर वंबर लिखे हैं यहाँ पे पूरे, और ये कुछ ये फाइनल प्रोडक्ट अपना देख रहे हो, थिकनेस देख रहे हो भाई तुम यहाँ पे देख रहे हो। सो यही चीज़ है भाई, जो तुम्हारी ना भाई ब्रेकें अच्छी रखती है, तुम्हारी ब्रेकों की लाइफ इससे ना बढ़ती है। पता है बंदों की ना भाई, मैं देखता हूँ यार, मैंने आज तक काफ़ी बंदों की ना बाइक चलाई है, बट सच बताऊँ मैं मतलब दूसरी बाइक नहीं बोल रहा, मैंने अपनी V3 की बात कर रहा हूँ, मैंने और भी लोगों की ना V3 चलाई है, बट उनकी ब्रेकें लगती, सच बता रहा हूँ। अगर भाई तुम वीडियोस देख रहे हो भाई, सच बता दो मेरी ब्रेकें नहीं लगती, इसकी ब्रेकिंग है ना जो भाई कांच लाना ब्रेक है, जहाँ पे लगाओगे ना भाई पीछे से उठ जाएगी तुम। अभी ये भी पहले ना पूरी रेड कलर की होती थी, अभी ये ना इसका रंग फेंट हो गया, और ये ब्लू ये तो अभी ठीक है, ये तो रिसेंटली कराई थी, बस इसकी ये चीज़ है ना, ये थोड़ी सी इसको फिर से कराएंगे, ठीक है भाई मजाक नहीं कर रहा। अपनी बाइक कितनी प्यारी लगती है यार आगे से, मुझे पता बंदे क्या बोल रहे, कहते भाई इस बाइक को बेच दे भाई, KTM ले लो भाई। माना भाई KTM मेरी भाई पसंदीदा बाइक है, मेरी क्रश है, बट इसको थोड़ी बेचना यार, ये तो जान है अपनी, पता दिल से प्यार है, दिल से भाई एक्सपीरियंस से बात बता रहा हूँ। देखो ना एक टाइम पे था कि मुझे ना एक्सपीरियंस नहीं था बाइकों का, ठीक है, मैं भी ना किसी को देख के सीखता था, बट उस टाइम बंदे ने मैंने ना भाई काफ़ी सारी चीज़ें ना इंस्टॉल करवाई बाइक में, वो उनका जो रेटिंग है ना वो 0 थी, बट मैंने वो भी इंस्टॉल करवाई। अब ना मुझे थोड़ी बहुत नॉलेज हो गई बाइकों की, कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए, और जो बंदा अभी बिगनर है ना बाइक को, जिसके पास V3 पड़ी है भाई, तुमने मेरे चैनल पर आओ, तुम्हें कुछ भी V3 का पूछना ना भाई, क्या चीज़ें कहाँ से डलवा दो, क्या आराम से अपने भाई से पूछो, तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए यहाँ पे बैठा, ठीक है ना।
सो फाइनली सब तो मौसम चेक करो भाई, यहाँ पर चुटकी बजा मौसम पूरा का पूरा चेंज हो गया। अभी थोड़ी देर पहले धूप थी और अभी मौसम चेंज हो गया। और कैसे अभी जाना है फाइनली भाई अपने अगले डिस्क पैड चेंज करना, बिकॉज हमारे पिछले तो अभी सही है और जो प्रॉब्लम है वो अगलों में है, तो अभी अगले जाने वाले चेंज करवाने। सो भाई अभी निकलते फटाफट यहाँ से, बाइक को कर दे भाई कोल्ड स्टार्ट। सो बाइक टाइल तो दो है, तेल तो है आज इसमें, तेल की कोई चक्कर नहीं, तेल इसमें पूरा हम आराम से घूम फिर सकते हैं। ठीक है भाई, अभी ना भाई ग्यारह चेक पहुंचे यहाँ पे, ट्रैफिक है भाई देखे तुम भाई साहब, ग्यारह चेक में कितना ज़्यादा ट्रैफिक पड़ रहा है। अरे तुम्हें मेरी यहाँ पे हेलमेट का कलर दिख रहा है यहाँ पे येलो येलो रेड भाई, मैंने अभी हेलमेट को ना थोड़ा सा रैप करवाया, थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, यहाँ पे टोटली सीन खराब है भाई। है पुलिसिया के देना नज़र मार ले तेरी नज़र ऊपर तक, तू पीछे पहाड़ी पर बैठा भाई। तो भाई भीतरी की सीट तो पहाड़ी है भाई, रुक जा लाल भाई, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा भाई। मेरे अगले टायर प्रेशर थोड़ा सा कम है भाई, ऐसा फील हो रहा मुझे भाई कि मेरे अगले टायर की हवा थोड़ी सी कम है भाई, इसलिए मुझे फील हो रहा है। अब क्या करना भाई, क्या थी वाह वाह इतना ज़्यादा ट्रैफिक है भाई यहाँ पे। तो गाइस अभी ना हम अपने प्रवीण के पास आए थे और भाई प्रवीण ने ना हमें साफ साफ मना कर दिया, बोलता भाई मैं तुम्हारे डिस्क पैड नहीं डलवाऊंगा। मुझे क्या बोलना चाहता भाई वो अभी तक, मतलब उसने डिस्क पैड डाले हमारे यार, हम इतनी दूर से भाई 100-150 तीन फूक क्या है कि वो फ्री में डाल देगा, बट ये डाल रहा नहीं यार। अभी ना हमें अपने गांव वाले जो तुम बताइए वहाँ पे हमारा एक बंदा है मिस्त्री बाग, उससे ही डलवाना पड़ेगा। ये तो बहुत सड़ी का मदद नहीं कर रहा है, दोस्ती भाई दोस्त पता दोस्त कमी नहीं होता अंदर से। इसका अपनी गाड़ी का ना रेडिएटर का फट गया तो उसका गुस्सा भी डल्ला है। सो फाइनली किसी दिन जा रहे हैं भाई स्टॉपी मारने, बिकॉज भाई काफी देर से मैंने रिव्यू नहीं डाली स्टॉपी पे, स्टॉपी में जाएंगे भाई स्टॉपी मारने, वहां से यहाँ आएंगे। भाई साहब क्या स्टॉपी बजती है, पता क्या सी ना प्लेन सड़कों पर ना स्टॉपी हमेशा स्मूथ ही बजती है, बिकॉज कोई जैसे उबड़ खाबड़ के जगह पता नहीं होती भाई। अभी मार रही थी स्टॉपी है भाई साहब, ये चचा के रिएक्शन देखना सही थे भाई। भाई साहब क्या डाउन टू अर्थ स्टोरी बज रही है भाई, भाई गाड़ी आई वहां से, उसने भाई चार पांच पुलिस की लोड किया भाई, तो गाड़ी में सिलेरी होती बट उसने पुलिस भर दे भाई, निकल बाबे हाँ मेरी गाड़ी की सिलेरी हो काली सिलेरी हो पांच पुलिस पीछे वर्दी पहन के बैठे हैं, पूरा देख रहे थे साले वो मिंट पट ना तू हस बली केड़ा करदा है तंग मैनू दस बली साडे मैटर च आउंदी ना प्लस बली करदा है तंग केड़ा दस बली ਤੈਨੂੰ ਕਦੇ ਬੇਲ ਭੇਜਣਾ।
तो फाइनली कैसे बीमा चुका भाई फ्लाइट के ऊपर भाई, पर हमारे दो बंदे एनएस वाले पीछे रह गए भाई। भाई मुझे लग रहा है डर उनका पुलिस वाले नहीं पकड़ लिया भाई, बट भाई दिक्कत वो आ गया। चल चल भाई मेरे जैसे मेरे यार पता भाई क्या भाई क्या भाई क्या भाई चलो। तो फाइनली का सपने चढ़ा ना चुके, यहाँ पे पुलिस खड़े हैं भाई, दोनों में बदमाशी कर रहे हैं भाई। तो भाई हमारे यहाँ पे ना कल की बारिश हुई है, और यहाँ पे तुम देख रहे हो भाई कितना कीचड़ है भाई यहाँ पे नीचे। ओ प्रावा चचा डेंजर हो चचा, जाओ 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 भाई। चचा का मुंह देख के मेरी फटकी मार जाता है गुस्से चचा ना, मैं पीछे से गुस्से से आ रहा। मैंने कहा चचा आप जाओ आपको साइड दी भाई, वहाँ कैसे इतना बहने देखा साइड दे भाई। चलो यार चचा एंग्री थे, चचा गुस्से में थे यार भाई, क्या स्टॉपिंग थी भाई यार। पर अब सोच देखा किसी ने मैं जीत रिकॉर्ड नहीं करता रिएक्शन की, ये बहुत बड़ी ना इसकी बेवकूफ़ी है भाई ये ना भाई, रिएक्शन अच्छे से रिकॉर्ड नहीं करता ये ना। फिर भाई जैसे मैं स्टंट करूँगा ना ये बस भाई वो चीज़ रिकॉर्ड करेगा, और जो स्टंट के बाद होता है ना रिएक्शन मिलता है भाई, ये तब कैमरा ऑफ कर देता भाई। ये बंदा पता नहीं कैसा भाई है भाई, ये भाई ना ब्रेक दबा के ना, मुझे सच्ची बता रहा मुझे ना फील हो रहा है कि भाई ब्रेक पैर घिस गया इसके पता। वो तो ऐसे नेचुरली सच में घिसे हैं, बट इसको ना जब तुम्हारा ब्रेक पैर घिसे हो ना, तुम्हें ब्रेक लगा रहे हो ना, तुम्हें डिफेंस दिख जाएगा भाई। ब्रेक की ना लेंथ इतनी होगी ठीक है, बट यार उसमें ना ब्रेकिंग में जो बिट्स मारते हैं ना ब्रेक तुम पर जब कट मारते हैं उसमें तुम्हें डिफेंस दिख जाएगा। थोड़ी सी ना थोड़ी सी भी नहीं पकड़ रही है ब्रेक है, बट थोड़ी थोड़ी अभी मैं बता रहा हूँ ये ना खींच के भी 5 दिन चलेगी, अगर मैं रोज़ डेली बाइक चलाऊँ ना खींच के 5 या 6 दिन चलेगी, इससे ज़्यादा नहीं चलेगी। सो अभी भाई पहले पहले चेंज करवा लेता ठीक है ना भाई, हमारे पास सब चीज़ पड़ी है भाई, फिर क्यों नहीं चेंज करना ठीक है ना। सो फाइनली के सभी मस्ती के बाद पेट्रोल पंप है और यहाँ से तो फाइनली भाई पेट्रोल से पेट्रोल पंप भाई क्या बोल रहा है। तो फाइनली क्या तेल अपने डलवा ली फिर से, यहाँ पे 2 साल बाद चढ़ चुके हैं भाई, मैं क्या बोल रहा है पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रही है भाई, सही है भाई पेट्रोल पंप से पेट्रोल डलवा रही है, यू गॉट बेटर भाई। तो भाई अपने डिक्स पर यहाँ से नहीं डले भाई, यहाँ पे भैया व्यस्त हैं भाई, भी भैया कहते हैं भाई कल आना भाई, आज हमारा काम नहीं हुआ भाई, जिस दिन भाई चीज़ें पूरी लेके जाओ ना कभी साला काम नहीं होता भाई। मैं ये चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में भाई हर बार नोटिस किया भाई, एक बार थोड़ी मेरा हर बार का भाई। मंजीत भाई मजबूरन उसके पीछे बैठ रहा है बेचारा भाई, आया मेरे साथ जा रहा उसके साथ भाई, कोई सीन नहीं है भाई उसकी बाइक चाहे मेरी बाइक है भाई, एक ही बाइक है ठीक है भाई। मैं ना कभी ना अपने दोस्तों का मना नहीं करता भाई बाइकों के लिए पता, बट ये बंदा करता भाई हमेशा। बट भाई मैं ना भाई मेरी बाइक जो मर्जी चला यार भाई, अपने भाई है ना मुझे बोलेगा ना भाई अपनी बाइक तो गर्लफ्रेंड को मना जाना भाई, आराम से दे दूंगा। मैंने कहा ले यार ले भाई ले जा बाइक ही है यार ठीक है ना, बस तोड़ना नहीं चला संभाल के, बस तू ले जा ठीक है भाई। कल को बाइक भी टूटेगी अगले बंदे को भी लगेगी ठीक है ना, दो दो खर्चे बंदा कहाँ से मैनेज करेगा पता है भाई। सो दैट्स व्हाई मैं बोलता हूँ बाइक चलाओ यार, जिसने नहीं चलाओ ठीक है ना। सो फाइनली भाई भी मार चुका अपने घर पर भाई, आज का काम फिर से नहीं हुआ, और वो खड़ा अपना छोटा सा बच्चा इधर आ जा आ जा आ जा आ जा आ जा गंदा हो गया गंदा गंदा नहीं गंदा कहाँ हुआ नहीं गंदा हुआ गंदा कहाँ हुआ तो पहले ये बता भाई से ना भाई। तीसरे दिन दूसरे दिन नहलाता हूँ मैं भाई, फिर भी गंदा होता देख भाई भाई अभी वही कुत्ता जिसको ना मैंने आज से मेरे ख्याल से महीने डेढ़ महीने पहले ना व्लॉग में जब इतना सा ना हाथों में था तब मैंने चलाया था भाई, ये देखो कितना हंसता खेलता बड़ा हो गया भाई। होप करते मैच को बहुत अच्छा लगा, अच्छा लगा डन लाइक शेयर सब्सक्राइब डन लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाकी मिलता है गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस बाय।